अस्लीप इन द वैली ऑर्थर रिम्बाउड के द्वारा लिखा हुआ यह चैप्टर। ऑर्थर रिम्बाउड जिनका जन्म 1854 में हुआ था, मरे थे 1891 में, वाज ए फ्रेंच पोइट। कैसे पोइट थे बताओ? फ्रेंच पोइट थे फ्रॉम द 19th century, 19वीं सदी के। ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री इवन बिफोर ही रीच्ड हिज टीन्स। अच्छा, वो जब टीनेज में पहुंचे थे उसके पहले उन्होंने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। टीनेज यानी कि 17 से 18 साल जब होता है ना, 12 से 18 साल जो होता है उसी को टीनेज बोला जाता है। तो टीनेज के पहले ही वो लिखना शुरू कर दिए थे। एंड ही स्टॉप्ड राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 19। जब वो 19 के हुए, मतलब जब उनका उम्र 19 साल का हुआ, तब उन्होंने लिखना बंद कर दिया। सोचो, हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड टू म्यूजिक। उनके जो मेजर वर्क्स हैं उसमें जो पोएम है, जैसे टू म्यूजिक, इवनिंग प्रेयर, ये सब उनके फेमस पोएम हैं। द प्रेजेंट पोएम, ये जो पोएम हम लोग पढ़ रहे हैं अस्लीप इन द वैली, ओरिजिनली टाइटल्ड, इसका टाइटल किया हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज में ले डॉर्मियर ले वाल। ये फ्रेंच लैंग्वेज में वॉज इंक्लूडेड इन हिज कलेक्शन ऑफ पोइट्री। उनके एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री एक किताब है, किताब का नाम है पोएसिस, 1872 में वो किताब छपा था। उसी किताब से आपका ये चैप्टर अस्लीप इन द वैली लिया गया है, याद रहेगा। ओके, दिस पोएम हैज 14 लाइन्स। ये पोएम 14 लाइन का है। दरअसल 14 लाइन का पोएम मैंने सोनेट पोएम कहलाता है ना। और ये जो सोनेट है ये इटालियन सोनेट है। इटालियन सोनेट का क्राइटेरिया क्या है? इटालियन पेट्रार्चन सोनेट जिसको बोलते हैं, जिसको मैंने पहले दिन समझाया था बहुत पहले, तो इटालियन पेट्रार्चन सोनेट कहलाता है। ये कितने कैसे, ये 14 लाइन का ही पोएम है, मगर पहला स्टेंजा ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन का होगा और दूसरा स्टेंजा सिस्टेट यानी कि 6 लाइन्स का होगा। तो 8 और 6, 14 लाइन का ये सोनेट पोएम इटालियन पेट्रार्चन सोनेट है। सुनो, ये पोएम एंटी वार पोएम है, युद्ध के खिलाफ लिखा हुआ पोएम, वार के अगेंस्ट में है, ठीक है ना। और इस पोएम का थीम है फ्यूटिलिटी ऑफ वार। फ्यूटिलिटी ऑफ वार का मतलब होता है यूजलेसनेस ऑफ वार, मतलब युद्ध जो होता है वो बिल्कुल यूजलेस होता है, मतलब युद्ध नहीं होना चाहिए राइटर के मुताबिक, इस पोएम के मुताबिक, ठीक है ना। तो वो कैसे पोएम के मुताबिक वो बताते हैं, आइए हम लोग पोएम को पढ़ करके समझते हैं। मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। देखो, ऐसा एक पहाड़ी इलाका है, समझ लो वैली है, घाटी है। यहाँ छोटी सी एक नदी जो है ना बह रही है, सपोज एक स्ट्रीम जो है यहाँ पर फ्लो कर रही है, ठीक है ना, एक नदी बह रही है, ठीक है। और इधर पूरा जो है पेड़ पौधा हरा भरा चारों तरफ है ना, चारों तरफ मान लो, मान के चलो। और ऊपर में सूरज का रोशनी जो है ना पूरा आ रहा है, सूरज का रोशनी, और वो सूरज का रोशनी से ये पूरा घाटी जो है ना चमक रहा है, पूरा हरा भरा चमक रहा है, पूरे घास जो है ना सिल्वर कलर के चमक रहे हैं। सपोज वहीं पर एक सिपाही, मैंने बताया था आप लोगों को, इसी घाटी में एक सिपाही एक पेड़ के ऊपर, एक टूटा हुआ पेड़ है, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, ये एक टूटा हुआ पेड़ है। और ये फर्न ट्री, फर्न इसलिए क्योंकि ये फ्रांस का जंगल, फ्रांस की वैली, और वहाँ का एक पेड़ का नाम राइटर ने दिया है और उस पेड़ का नाम है फर्न। और इसी पेड़ के ऊपर सर रख करके एक सिपाही जो है अपने सीने पर हाथ रख करके लेटा हुआ है, सोया हुआ है। और नीचे से पूरा, चूंकि जंगल एरिया है
घास जो है ना उगे हुए हैं उसके शरीर से, और उसका शरीर जो है ना पूरा घास में धंसा हुआ है। अच्छा, उसके पैर के पास, उसके पैर के पास क्या खिले हुए हैं बताओ? फूल जो है ना खिले हुए हैं पैर के पास। सपोज, क्लियर? आइए देखिए, अब ये है पूरा सीन, मतलब मोटा मोटी यही सीन है। उसके बाद देखिए, राइटर कहते हैं, सुनो, ए स्मॉल ग्रीन वैली, एक छोटा सा हरा भरा घाटी है, वेयर ए स्लो स्ट्रीम फ्लोज, जहां एक धीरे धीरे पानी का धारा, स्ट्रीम यानी कि धारा, छोटी नदी फ्लो बह रही है, एंड लीव्स, और जो पत्ते हैं घास वगैरह के जो पत्ते हैं, लीव्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स दूर दूर तक फैले हुए हैं, ऑफ सिल्वर ऑन द ब्राइट ग्रास, चमकते हुए घास में के पत्ते जो है ना सिल्वर कलर में वहां पे चमक रहे हैं। फ्रॉम द माउंटेन टॉप, माउंटेन टॉप, देखिए माउंटेन टॉप, पहाड़ के एकदम ऊपर से स्ट्रीम झरने की तरह सूरज जो है अपने रोशनी को झरने की तरह गिरा रहा है, शावर्स की तरह। टॉप स्ट्रीम द सन्स रेज, क्या गिर रहा है बताओ? सूरज की रोशनी। दे फील, यानी सन रेज जो है ना, सन रेज को राइटर कहते हैं, दे फील, वे लोग भर रहे हैं द हॉलो, इस खाली जगह को, फुल ऑफ लाइट, क्या चीज से भर दे रहे हैं बताओ? पूरे रोशनी से भर दे रहे हैं। कौन भर रहा है? सूरज। और वहीं पर ए सोल्जर, वहीं पर ए सोल्जर, एक सिपाही, वेरी यंग, जो कि बहुत नौजवान है, लाइज, लेटा हुआ है, ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ है, ए पिलो, एक तकिया, मेड ऑफ फर्न बीनीथ हिज हेड, उसके माथे के नीचे फर्न नाम का पेड़ का तकिया बना हुआ है, अस्लीप, वह सोया हुआ है, स्ट्रेच्ड, अपने शरीर को वो फैलाए हुए है, इन द हैवी अंडरग्रोथ, नीचे ढेर सारे घास, अंडर ग्रोथ, नीचे से उगे हुए हैं, अंडर ग्रोथ, उसके नीचे से घास जो है ना उगे हुए हैं जहां वो लेटा हुआ है, उसका चेहरा पैल, इन हीज वार्म, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया है, पीला, वार्म, शरीर जो है ना गर्म है, और जहां वो लेटा है, जहां वो लेटा है वो जगह ग्रीन, हरा भरा है, सन सोक्ड बेड, उसके बेड को सूरज ने सुखा दिया है, सन सोक्ड बेड, बेड को उसके सूरज ने क्या कर दिया है? सुखा दिया है। हिज फीट अमॉन्ग द फ्लावर्स, उसके पैर कहाँ हैं? फूलों के बीच में, मतलब पैर के पास क्या खुला हुआ है? फूल खिला हुआ है। हिज स्माइल इज लाइक एन इन्फेंट, उसका मुस्कुराहट, चेहरे का मुस्कुराहट जो है ना इन्फेंट्स की तरह है, इन्फेंट्स माने मासूम बच्चे की तरह, कैसा? जेंटल, उसका स्माइल कैसा है? जेंटल, विदाउट गाइल, बिना किसी चलाकी वाला, बिना किसी छल कपट का। राइटर, राइटर नेचर को कहते हैं, नेचर, कीप हिम वार्म, इसे गर्म रखो, नेचर को कहते हैं, नेचर, कीप हिम वार्म, इसे गर्म रखो, ही मे कैच कोल्ड, इसे ठंड लग सकता है, द हमिंग इंसेक्ट्स, भिन भिनाते हुए कीड़े मकोड़े, डू नॉट डिस्टर्ब हिज रेस्ट, अच्छा उसके रेस्ट को हमिंग इंसेक्ट्स, भिन भिनाते हुए कीड़े मकोड़े भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ही स्लीप्स इन सनलाइट, वह सोया हुआ है सूरज की रोशनी में, कहाँ सोया हुआ है बताओ? इन सनलाइट, सूरज की रोशनी में, वन हैंड ऑन हिज ब्रेस्ट, एक हाथ वो अपने सीने पर रखा है, एट पीस, शांति से लेटा हुआ है वो, एक हाथ सीने पर रखकर शांति से लेटा हुआ है, हाँ, इन हिज साइड, देखो किसी एक साइड में, या तो इधर नहीं तो इधर, यह नहीं दिया है कि राइट या लेफ्ट, इन हिज साइड देयर आर टू रेड होल्स, उसको दो गोली लगा है, उसी का लाल छेद है उसके शरीर पर, टू रेड होल्स है उसके शरीर पर, समझ में आ रहा है? यानी
वो सिपाही सोया नहीं है, मरा पड़ा हुआ है। यहाँ असलीप का अर्थ जो है ना डेड है, ठीक है ना, मरा हुआ, जो गहरे नींद में हमेशा हमेशा के लिए सोया हुआ है। समझ में आया? अब सवाल ये है कि आखिर पोएम इस पोएम राइटर जो है ना इस चैप्टर में कहना क्या चाहते हैं। सुनो, आप देखे होंगे इन पहाड़ियों में हम और तुम जैसे इंसान, जैसे कश्मीर में हमारे और तुम्हारे जैसे इंसान, हम लोग क्या करने जाते हैं, एंजॉय करने, घूम कर आने के लिए। लेकिन वहीं पर एक सिपाही जो कि मात्र अभी अभी पता चला ना, अग्निवीर का एक लड़का जो है ना, एक सिपाही बोलेंगे जो कि शहीद हुआ वहां पे, अग्निवीर का उम्र क्या हो सकता है पता है आपको? 17 से लेकर 21 साल के उम्र के बच्चों को लिया जा रहा है वैकेंसी के रूप में। तो सोचो जो अग्निवीर वहाँ शहीद हुआ है वो या तो 18, 19, 20 इतना ही साल का होगा। अच्छा एक बात बताओ, 19, 20 साल के उम्र के बच्चे को जीने का अधिकार था या नहीं था? बिल्कुल था। उसी कश्मीर में जाकर उसको भी लाइफ को एंजॉय करने का अधिकार था या नहीं था? बिल्कुल था। मगर हमारा एक युद्ध जो चलता रहता है ना हमेशा, जिसके वजह से ऐसे नौजवान, आपके जैसे नौजवान वहां जा करके क्या होते हैं, उसी वादियों में हम लोग युद्ध के कारण मारे जाते हैं। राइटर का यही कहना है कि युद्ध को स्टॉप करना चाहिए, वरना ऐसे ही जो है ना नौजवान क्या होते रहेंगे, मरते रहेंगे, है ना, इन्हीं सब वादियों में जहां उसको जीने का अधिकार था, एंजॉय करने का अधिकार था, वहां पर वो क्या होता है, जाकर के शहीद हो जाते हैं सब। इसलिए युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है।